किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, अभी 2023 चल रहा है और इसमें कृषि अनुसंधान केंद्र और किसानों की सहायता से काफ़ी अच्छी अच्छी और नई वेराइटियाँ सोयाबीन की नई किस्में उपलब्ध हो गई हैं, जिसमें कि काफ़ी अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ में अच्छी गुणवत्ता के दाने और अधिक उत्पादन उनमें किसान भाइयों को मिल रहा है। तो उन्हीं नई वेराइटियों की चर्चा के क्रम में आज हम बात करने वाले हैं JS की 2172 सोयाबीन की वैरायटी, जिसकी की सभी गुण और दोषों पर बात करेंगे। साथ ही साथ यह अभी 35 से 36 दिन की अवस्था पर कैसी दिख रही है, इसमें कैसे फूल आए हैं, इसमें कैसा फुटाव है और साथ ही साथ में इसकी क्या क्या विशेषताएं और भी हैं, यह किन किन रोगों के प्रति संवेदनशील है, इसमें कौन से रोग लगते हैं और कौन से रोग इसमें नहीं लगते हैं, इन सभी चर्चाओं पर बात करेंगे। और इसमें आप पहचान कैसे कर सकते हो कि आपने सही JS 2172 की वैरायटी आपने लगाई है, तो उसकी पहचान आप हमारी खेतों में देखकर कर सकते हो। तो किसान साथियों, इस पर पूरी चर्चा करने वाले हैं। आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए, जानकारी पसंद आए, मेहनत पसंद आए, तो आप लाइक के रूप में अपना प्यार हम तक जरूर पहुँचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें, जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी और ऐसी ही नई नई वेराइटियों के सभी अपडेट हम लेकर आगे और भी आने वाले हैं, जो कि NRC की वेराइटी आई है या जो ब्लैक बोर्ड वेराइटी है, 1135 से जो RBS की वेराइटी है, उन सभी पर भी आगे वीडियो आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो किसान साथियों, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। अब आइए जानकारी शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, यह है जो JS की 2172 वेराइटी, जो कि काफ़ी अच्छे से अभी ग्रोथ कर रही है और आप अभी इसकी 35 से 36 दिन की अवस्था देख सकते हो, जिसमें कि काफ़ी अच्छी इसने ग्रोथ कर ली है। तो किसान साथियों, आप देख सकते हो, अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इसके जो पत्ते होते हैं वह गोलाकार होते हैं और काफ़ी बड़े और स्वस्थ पत्ते इसके होते हैं, जिसके कारण यह जो सूर्य का प्रकाश होता है वह ज़्यादा ग्रहण करती हैं, भोजन ज़्यादा बनाती हैं, जिससे कि इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है। और इसमें किसान साथियों, फुटाव भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। आप जो पौधा देख रहे हो, इस प्रकार से जो एक पौधा है इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस फूटी हुई दिख रही हैं। आप नीचे से देखोगे तो इसमें इधर से जो पहली डाल फूटी है, ऊपर फिर फूटी है, इसमें फिर फूटी है और इसमें भी जाकर फिर ऊपर जाकर फिर फुटाव हो रहा है, यानी ब्रांचों के ऊपर ब्रांचें लगती हैं, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा इसका फैलाव होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा उत्पादन अच्छा होने का कारण यही होता है। अब बात करें इसकी समय अवधि की, तो किसान साथियों, यह 90 से 95 दिन के बीच में इसका समय अवधि दी गई है, पर अगर आपकी मिट्टी काली है, भारी मिट्टी है और पानी लास्ट तक अच्छे से गिरता है तो यह 5-7 दिन ऊपर भी ले लेती हैं, यानी कि 100 से 102 दिन 3 दिन में इसकी परिपक्वता अवधि बताई गई है। अब समय अवधि के बाद हमने पत्तों का जो आकार है, इसकी पहचान कैसी करनी है, वह भी बता दी है। अब इसमें जब फ्लावरिंग स्टेज आने लग गई है तो इसमें फूल किसान साथियों 36-37 दिन में अब ये अवस्था पर आने लग जाएंगे अच्छे से, पर अभी 35-36 दिन की अवस्था पर स्टार्टिंग जो फूल होते हैं जो आने लग गए हैं और सफ़ेद रंग के इसमें फूल आते हैं, यह सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से बड़े फूल आए हैं इसमें और उसी प्रकार से इसका दाना भी काफ़ी बड़ा है। हमने जब बीज लगाया था तो इसमें बोल्ड दाना होता है और बिल्कुल चमकदार और वजनदार इसका दाना होता है और इस प्रकार से इसकी 36 दिन के अंदर फ्लावरिंग की अवस्था इसमें आने लग गई और जो शुरुआती फूल होते हैं उनने जो है बनना शुरू कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छे से और स्वस्थ फूल इसके दिख रहे हैं। अब बात करें इसकी फलियों की, तो इसकी फलियों में अधिकतर में 3 दाने होते हैं और काफ़ी बोल्ड साइज का और फूली हुई फलियां इसमें देखने को मिलती हैं। इसी के साथ इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जब अभी 35 दिन की अवस्था पर इतनी अच्छी हाइट है तो इसमें हाइट काफ़ी अच्छी हो जाती है और जो किसान भाई हार्वेस्टर मशीन से इसकी कटाई करवाते हैं तो उनको भी काफ़ी अच्छे से इसमें सुविधा मिल जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। साथ ही साथ पौधा काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, जिसके कारण इसमें खरपतवार की समस्या भी नहीं आती है, क्योंकि खरपतवार वैसे ही अगर कुछ उगता है तो वह इसके अंदर दब कर ही रह जाता है, इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से इसकी पूरी कंडीशन आप देख सकते हो, अभी 36 दिन की अवस्था पर इसकी काफ़ी अच्छी जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है और ऊपर की जो कोंपले होती हैं वह भी काफ़ी स्वस्थ और मजबूती से आगे बढ़ रही हैं और फूलों की जो संख्या है वह भी धीरे धीरे अब बढ़ती जाएगी। अब बात करें इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की, तो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मध्यम देखने को मिली है। इसमें कुछ शुरुआती अवस्था में इल्लियों का प्रकोप था, पर इतना जो 95 और अन्य वेराइटियों में प्रकोप होता है
है उतना देखने को नहीं मिला है, जिसके कारण इसका काफ़ी अच्छा जो है ग्रोथ देखने को मिली है। उसी के साथ जो पीला मोजेक रोग और अन्य रोग इसमें काफ़ी कम लगते हैं, अगर लगते भी हैं तो जो फैल नहीं पाते हैं ज़्यादा। और इसमें एक थोड़ी सी समस्या शुरुआती अवस्था में आती है कि इसमें जो जड़ों में फंगस लगती है वह इसमें थोड़ी दूसरी वेराइटी की तुलना में ज़्यादा देखने को मिली है, जिससे कुछ पौधे उतरने लगे थे, फिर हमने फंगिसाइड और इसका ट्रीटमेंट किया तो फिर वही वहीं पर रुक गए और इसमें फिर बाद में कोई समस्या अब देखने को नहीं मिली और काफ़ी अच्छे से ग्रोथ है। आप 35 दिन की सोयाबीन से इसकी तुलना अगर करते हो तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और बिल्कुल ही पूरा खेत इसमें भरा गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, इसकी सबसे बड़ी खासियत यही लगी कि इसमें पौधा काफ़ी ज़्यादा फैला है, जिसके कारण उत्पादन आगे और भी अच्छा आने की उम्मीद लग रही है। तो किसान साथियों, ये थी अभी तक की जो 2172 जो नई वेराइटी आई है उसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी हमने दी है। और भी कोई जानकारी छूट गई है तो आप कमेंट जरूर करें, जानकारी कैसी लगी वह भी कमेंट जरूर करें। आगे भी इसकी जब फलियाँ बनेगी, इसका उत्पादन कैसा आता है, आगे भी हम जब पूरे फूल आ जाएंगे उसके बाद वीडियो लेकर आते रहेंगे, तो उसके लिए उन जानकारियों को जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख ले, जिससे कि आपको जानकारी जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो किसान साथियों, यह थी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा इसके बारे में या अन्य किसी फसली संबंधित जानकारी के बारे में या किसानों से जुड़े मुद्दे के बारे में आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारी जानकारी को पूरा अंत तक देखते हैं। और चैनल पर खेती से संबंधित गेहूँ, चना, अलसी, सरसों, मटर, सोयाबीन की खेती, प्याज लहसुन की खेती, प्याज लहसुन के भंडारण और भाव भविष्य और मंडी भाव की जानकारी भी डाल रखी है, आप वह भी जाकर देखें। उन्हें भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।